वजह से हमारे भाई नीरज का फोन जेब से निकल के रोड पे गिर गया। ये गाड़ी वाले भैया को बहुत जल्दी हो रही है, ये बहुत तेज काट काट के चला रहे हैं और चला नहीं पा रहे। ये देख रहे हैं, अभी हम लोग गूगल के भरोसे घर जा रहे हैं। देखिए गूगल कहाँ कहाँ से, किस किस रोड से गूगल घर ले जाएगा। भैया मेन हाईवे जाना था। हाँ गूगल पागल हो गया। नहर से हमको सीधा निकाल देगा ना। देखिए इसीलिए कहते हैं गूगल पे भरोसा मत किया कीजिए ऑल टाइम। गूगल कभी भी कुछ भी रास्ता दिखा देता है। अब उधर नहर कट रही है तो गूगल ने कह दिया कि आप नहर से चले जाओ, वहाँ पे लोग हैं, आप उधर से जा सकते हो। यार इसका मतलब ये नहीं है लोग होने से ही नहीं कुछ होता है। भैया गूगल समझो मेरी बात को, केवल लोगों के होने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पे रोड भी होनी चाहिए। वहाँ पे रोड नहीं है बिल्कुल भी। गूगल क्या बताएं गूगल को यार। चलिए देखते हैं अब ये रास्ता किधर से किधर ले जाता है। भैया ओ भैया हाईवे जाना है, हाईवे चंडी देवी। ओके भैया, ऐसे लोगों से रास्ता पूछते रहना चाहिए तभी आप सही जगह पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। अब चलते हैं, निकलते हैं घर को, घर के लिए, और रास्ते में कुछ खा लेंगे जो पेट में भूख सी है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि भूख तो लगेगी ना भैया, रात में खाना खाए थे, अब सुबह हो गई, सुबह दर्शन कर लिया, नहा लिया, सती भगवान दक्ष के मंदिर भी आ गए, अब घर। होम इज कॉलिंग। उत्तराखंड की पुलिस भैया थोड़ी सी अलर्ट ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नियम तोड़ने से पहले दो बार सोच लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे बैक कर रहे हैं यू टर्न लेने के लिए या कुछ भी, तो आप नहीं कर सकते, आपको सीधे ही जाना है। अगर आपने गलती से कोई गलत रूट चूज़ कर लिया है तो फिर आपको पूरी गलती पूरी करके आनी पड़ेगी। ये है यहाँ का रूल। अगर आप थोड़ा सा बैक करना चाहो तो आपको बैक नहीं करने दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं, कुछ खाएंगे, मिलते हैं फिर घर, घर स्वीट होम। आ गए हैं घूम के चंडी देवी के मंदिर पे। अब मेरा कभी ऐसा सीन नहीं हो पाता कि मैं टाइम नहीं मिल पाता कि मैं दोनों मंदिर एक साथ जा पाऊँ, मतलब मनसा देवी और चंडी देवी, टाइम ही नहीं हो पाता है। क्योंकि फिर एक दिन आओ फिर गंगा जी स्नान, देन वापस भागना पड़ जाता है। क्या करें, किसी दिन सोच रहे हैं कि आएँ तो एक दो दिन की छुट्टी लेके आएँ, तो फिर हर जगह यहाँ पे जाके एक बार आपको दिखाएं। देखिए अगली बार करिए ऐसा, आप लोग भी सपोर्ट करिए कि अगली बार आएँ तो सब जगह जा पाएँ। आप सपोर्ट करेंगे तो फिर मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, तो जब हौसला बढ़ेगा तो फिर मैं करूँगा।
आ गए हैं फिर से हम लोग जाम में, मेन रोड पे जाम में। और अभी थोड़ी सी क्लोज कॉल हो गई, इस फ्रेम स्लाइडर ने गाड़ी को बचा लिया। एक स्कूटी वाले फर्जी में घुसेड़ दिए, मेरे पैर में लगा दिए और इसमें लगा दिए। बाकी जाम देखिए कितना गंदा लगा है, भयानक जाम लगा है, वो कांवड़ यात्रा की वजह से जाम लगा है पूरा। वैसे नीरज भाई, फ्रेम स्लाइडर ने बचाया है पूरा, इसीलिए कहते इसी। अब ये ना होता तो एक पैनल पे स्क्रैच आ जाते मेरे गाड़ी के पूरे। हाँ हाँ हो सकता है गाड़ी भी जाती, फ्रेम स्लाइडर बचा देता है। स्लाइडर इज सपोर्टिंग, बहुत सही स्लाइडर है वो। वहाँ पे कांवड़ यात्रा है पूरी, उसकी वजह से पूरा जाम है। तो एक राइडर चल रहा है हमारे साथ, पीछे हैं, जिनकी वजह से हमारी गाड़ी 2 बार कूद चुकी है। पीछे चल रही है जो डोमिनार, उसमें राइडर है। अभी देखिए दिखाता हूँ, ये शायद केरल से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, लद्दाख के लिए जा रहे होंगे। या लद्दाख से आए हैं, केरल जा रहे होंगे। ये देखिए पूरा फुल पैक्ड है, डोमिनार है, डोमिनार 400। डोमिनार 400 में भी बहुत पावर है। लेकिन निंजा से ज़्यादा पावर नहीं है फिर किसी भी गाड़ी में। पावर के मामले में निंजा निंजा है भैया, कावासाकी कावासाकी है। और कोई भी चीज़ से आप वो कर सकते हो, लेकिन कावासाकी के इससे वो नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा फन हो गया, मज़ेदार। नहीं यार, इसीलिए कहते हैं जंगल में कुछ खा के फेंका मत कीजिए, देखिए आग लग जाती है। अब किसी ने सिगरेट पी होगी, फेंक दी आधी सिगरेट जली हुई, लग गई आग। यार लोग भी कितने लापरवाह होते हैं भाई, ये अच्छा नहीं लगता। नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए भाई, कूड़ा करकट जो भी है तो अपने पास रखिए, नेचर के साथ मत खेलिए। अगर नेचर ने एक बार खेल दिया ना तो बस खेल ही जाएंगे। याद नहीं है आपको वो अमरनाथ, वो केदारनाथ वाली त्रासदी, केवल एक मंदिर की वजह से। भाई यार आप लोग थोड़ा सा तो अपने देश की, अपने प्रकृति की सुंदरता का ख्याल रखिए थोड़ा सा। अगर हम ही लोग गंदा गंदगी करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं बताइए, गलत बात है भाई। अब हम ही लोग में तो कोई है जो ऐसा किया है, हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो करते हैं। और मेरे को पता है मेरे व्यूअर्स वो नहीं करते, लेकिन आप लोग जिसको करते हुए देखे उनको टोकिए जरूर, एक बार टोकिए। तो ले लिया पहला स्टॉपेज, कुछ खाएंगे पियेंगे, ये रेस्टोरेंट है, अंदर हम बाहर खड़े, कुछ खाएंगे पियेंगे। सोच रहे हैं आलू के पराठे, 2 आलू के पराठे, एक एक चाय करके निकलते हैं। और रास्ते में बज रहा है 1:15 बाकी है अभी, तो वैसे अगर रास्ते में 2-3 बजे साइड, 3-4-5 बजे साइड, 6 बजे साइड कोई भूख लगेगी तब गाड़ी रोकेंगे, तब खाएंगे कुछ। पूरा चेहरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, आपको ये व्यू दिखा, देखिए पूरी ग्रीनरी, इसीलिए कहते हैं इसको बर्बाद मत करिए। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, इसीलिए कहते हैं इसको बर्बाद मत करिए। यह है रेस्टोरेंट, यहाँ बैठेंगे, बाइक खड़ी है बाहर, आइए बाइक दिखा। इधर से टच हुई थी गाड़ी, सबसे पहला इम्पैक्ट इसी पे आया था, फ्रेम स्लाइडर पे। पूरी गाड़ी में कहीं कुछ नहीं, सीधे फ्रेम स्लाइडर, बाकी ऊपर आगे तो नहीं हुई थी, बचा लिया फ्रेम स्लाइडर ने। ये देखिए ये लगा है, ये
यही टच हुआ है। चलो सपोर्टिंग है, बस ये लूज हो गया अभी। ये चाय नाश्ता सब हो चुका है और फिर से अपनी गाड़ी का RPM 2 हो चुका है। हम लोग की एनर्जी फुल हो गई है, गाड़ी ठंडी हो गई है। गाड़ी को फिर से थोड़ा करते हैं गर्म, वार्म अप होने के बाद निकलते हैं। अभी 2 पे ही है RPM। आ गया ये 1.5, ये होगी नॉर्मल। चलो चलिए चलते हैं, करते हैं सफ़र शुरू। स्टार्ट लेके ऊपर वाले का नाम गणपति बप्पा मौर्य। अब नाश्ता पानी सब हो गया है, चाय पी ली। तो हम लोगों ने गंगा बाईपास क्रॉस कर दिया है, अब आगे हम लोग मेन रोड पे। अब यहाँ से बस हाईवे पहुँच के सीधे रामपुर। इस रोड पे सबसे बड़ी दिक्कत है ये गन्ने वाली, गन्ने के ओवरलोड ट्रॉली ट्रैक्टर चलते हैं, जो मतलब पूरा पुल ऊपर तक भरे हुए होते हैं, जिनकी वजह से रोड पे बड़ी दिक्कत होती है। बाकी हवा पता नहीं क्यों इतनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है आज। तो आ गया है पहला टोल गेट, एंड जैसा कि मैंने बोला था ना कि 12 बज के समथिंग मिनट हो रहे थे, मैंने कहा था 2-3 बजे से पहले गाड़ी नहीं रोकूंगा, तो 2 बज चुका है। 1:15 बाकी थे, मैंने कहा 2 बजे तक गाड़ी नहीं रोकूंगा, तो 1 बज चुका है, 2 बज चुका है, 2:15 हो रहा है। तब से कंटिन्यूस गाड़ी चल रही है और अभी रोकेंगे भी नहीं, अभी तो कंटिन्यूस और चलाएंगे गाड़ी। बाइक वाले से नहीं जाएंगे हम, गाड़ी वाले से जाएंगे। तो गाइस टाइम हो गया है 3:45 कम, और गाड़ी रोकी है इसलिए देखिए छोटी छोटी लाते हैं। ये मैसा यहाँ हेलमेट का हुआ है, अभी दिखाता हूँ हेलमेट का। ये देखिए हेलमेट की हालत देखिए, कितनी लाते चुकी हैं, दिखना बेकार हो गया था आगे, इसलिए गाड़ी रोकनी पड़ी है। तो भाई हम लोग हैं पता नहीं कहाँ पे, बस गूगल के हाले चल रहे हैं अभी। रोड कितना प्यारा है ये देखिए आप, रोड पे ना गड्ढे हैं ना कुछ, ये है मुरादाबाद ही जाएगी ये रोड, लेकिन हाँ गड्ढे से बचा के। थोड़ा सा लंबा मेरे को चलना पड़ा है, बट ठीक है, 500 किलोमीटर अभी दिखा ही रहा है, 400 किलोमीटर यहाँ से नक्शा दिखा रहा है, लेकिन हाँ ये है रोड पे गड्ढे नहीं है और गाड़ी सही स्पीड पे चल रही है। तो हाईवे पे थे, एक मिले हैं दादा, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। दादा से लिया है चश्मा, दादा बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। दादा आपका नाम क्या है? राम अवतार। दादा का नाम राम अवतार है। दादा से मिल के हमको बहुत अच्छा लगा है। दादा मुरादाबाद रोड से आप कभी आएंगे इधर 4 लाइन हाईवे से मुरादाबाद जाने के लिए, तो रास्ते में दादा की शॉप पड़ती है चश्मे की और हेलमेट की। दादा का नेचर बड़ा प्यारा है, दादा बातें भी बहुत सही करते हैं। फिर दादा मिलते हैं। फिर मिलते रहना, यही रहते दुकान में। ठीक दादा, साल हो गए दुकान पे। ओके दादा। नीरज की आंखों में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा लग रही थी, तो मेरे को रास्ते में चश्मे की दुकान दिखी, तो मैंने नीरज सोचा नीरज के लिए चश्मे ले लें, तो वहीं पे ये दादा मिले थे। दादा बोल रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये उनके पास भी है, बट उनके पास यामा की R1 है, R15, ना कि निंजा। तो कह रहा है कि हमने जब खरीदी तो 2 लाख रुपये की पड़ी थी, हमने कहा था ये 2 लाख की नहीं है, महंगी वाली है। उससे कह रहे हैं कि हाँ मॉडल ही बदलते रहते हैं और बाकी महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो हमने कहा हाँ दादा, कह रहे हैं कि हमारे पास सेम यही वाली इसी कंपनी की गाड़ी है, लेकिन दादा को कौन बताया कि यामाहा की सबसे छोटी गाड़ी यही है। अरे दादा बहुत सही है, बहुत क्यूट नेचर है दादा का। नीरज को चश्मा भी मिल चुका है, अब नीरज थोड़ा खुश है, उसकी आंखों में धूल नहीं जा रही, हवा नहीं लग रही। अब ये 100-120 से नीचे मैं चला नहीं रहा था हाईवे पे, तो उसकी आंखों में हवा धूल बहुत तेज़ आ रही थी, अब उसकी आंखें सेफ है। मैं आपसे कह रहा था ना ओवरटेक मतलब ओवरलोड गन्ने की गाड़ियाँ, तो ये होती हैं ओवरटेक गन्ने की गाड़ियाँ। देखिए कितना गन्ना लोड है, अब इनकी वजह से हम लोग को चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये पूरी रोड कवर करके चलती हैं और गन्ने बाहर लटके रहते हैं, ओवरटेक भी नहीं ले पाते हैं और ना ही कुछ, और ये लोग गन्ना गिराते हुए चलती हैं। बाई चांस गिरा हुआ गन्ना ही लग जाए आपके तो काफ़ी चोट लग सकती है।
रोड बड़ी शांत है, बहुत प्यारी रोड है भैया। गौरव भाई मज़ा आ रही है गाड़ी चलाने में ना, बहुत मज़ा आ रही है। मैं जो ये एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको केवल एक्सपीरियंस क्या, मैं आपको केवल दिखा सकता हूँ, फील नहीं करा सकता हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत मज़ा आ रही है। कावासाकी निंजा है भैया जी, बैठो भाई। कावासाकी निंजा है भैया, 5 भैया। तो रुके थे एक दुकान पे, सोचा चेन ल्यूब ले लें, क्योंकि चेन ल्यूब भूल गए थे हम लोग। गाड़ी की चेन अभी आवाज़ तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ सूखी सूखी लग रही है, तो सोचा चेन ल्यूब ले लें। तो भैया बता रहे हैं जो लोकल चेन स्प्रे नहीं आता है, लोकल वाला 100-100 रुपए का मिलता है, वो कह रहे भैया 250 का पड़ेगा। अगर आप वो केवल डलवाओगे तो हम आपसे 50 रुपए लेंगे। ये कौन सी बात होती है, मतलब कुछ भी चल रहा है लोगों का, लोग कुछ भी मचाए हैं। अगर आप लोगे हमसे तो 200 रुपए का देंगे, डलवाओगे तो 50 रुपए का डालेंगे, ऐसा लग रहा है 50 रुपए में आधे से ज़्यादा चेन स्प्रे डाल देंगे। तो यहाँ पे पीछे चौराहे पे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा है नखलो 376 किलोमीटर, तो वही हम और नीरज कह रहे हैं चलो एक बोर्ड तो आया जिस पर नखलो लिखा हुआ है, वरना अभी तक एक भी बोर्ड नहीं है जिस पर नखलो लिखा हो, मतलब इसका मतलब ये है हम लोग सही जा रहे हैं। तो भाई गाड़ी में पेट्रोल हो गया है ख़त्म फिर से, ये तीसरी टाइम है जब हम फ्यूलिंग कराने जा रहे हैं। भैया कार्ड लेते हैं, फुल कर दो। कितना ठीक भाई, फुल ऊपर तक आ गया थे। तो पेट्रोल पड़ गया गाड़ी में पूरा जितना पड़ना चाहिए था, बट ये था मैं सोच रहा था कि भारत पे या रिलायंस पे मैं फ्यूलिंग कराऊं, बट इस रोड पे कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को। पीछे से अभी तक यहाँ तक चला है तब भी कोई रिलायंस नहीं दिखा, केवल इंडियन ऑयल। बात यह है जो मेरे को लगता है इंडियन ऑयल पे मिलावट ज़्यादा होती है पेट्रोल में, इंडियन ऑयल के जितने भी पंप हैं ये मिलावट ज़्यादा करते हैं देन कंपेयर टू रिलायंस एंड भारत पेट्रोलियम। अब मेरे को लगता है ऐसा, बाकी क्या है कैसा है ये तो मैं बता नहीं सकता। तो हम लोग आ गए मेन हाईवे पे, मुरादाबाद नखलऊ रामपुर मेरठ वाले हाईवे पे, मेन हाईवे पे आ गए। अब गाड़ी चलेगी, अब गड्ढे नहीं मिलेंगे, अब रोड मिलेगी। भाई गड्ढों से इतना परेशान हो गए थे कि मन कर रहा था आत्महत्या कर लें, बिल्कुल तो एकदम यार गड्ढों पे गाड़ी चलाने का मन नहीं होता है। जो लोग भी बाहर ट्रैवल करते हैं उनको भी पता है अगर रोड अच्छी नहीं है तो फिर सब बेकार है, पूरा सफ़र का मज़ा ख़राब कर देती है रोड। नेट बंद कर दें, फोन का गाना सुनना था, गड्ढों में गाना ही सुन सकते हैं और क्या करें, पूरी रोड पूरा सफ़र बर्बाद कर देती है गड्ढे। बाकी सब ठीक है, अब जैसे यहाँ गाड़ी चल रही है, गड्ढा नहीं है, मैं बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकता हूँ। तो भाई बरेली में आ गए हैं, रुके थे ज़रा चाय नाश्ते के लिए। या गाड़ी का हैज़ार्ड देखिए क्या प्यारे जल रहे हैं, गाड़ी बड़ी सेक्सी लग रही है। नीरज भाई तैयार हो रहे हैं, एक लाइट ऑन है, एक लाइट क्या वो पार्किंग ऑन है, अभी छोटी लाइट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा दूर सनसेट हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया था। बाकी देखिए बरेली आ गए हैं, नखलो ज़्यादा दूर नहीं बचा है, इसको ऐसे लगाएं, विंग्स खोलें अपनी गाड़ी के, वैनम के विन ऑन हो गए। मैं जो टोल गेट के लिए बात करता हूँ ना, का पहला टोल जो पड़ता है वो ये वाला है, अगर आप हरदोई होते हुए आ रहे हो तो। ये बंद है अभी, वर्किंग में नहीं है, यही वाले टोल गेट की मैं बात कर रहा था जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अगर आपने पुराना व्लॉग देखा होगा तो आपको भी याद होगा यही वाला वो टोल गेट है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग लेंगे महकलगंज। महकलगंज आप लोग जानते हैं, जो लोग महकलगंज के बारे में जानते हैं वहाँ के रसगुल्ले फेमस हैं, तो बस दो दो रसगुल्ले या एक एक रसगुल्ला खाएंगे, फिर सीधे नेक्स्ट स्टॉप लेंगे सीतापुर। यहाँ से सीतापुर है 70 किलोमीटर, महकलगंज है 35 किलोमीटर। अब नेक्स्ट स्टॉप है 35 किलोमीटर पे ही लेंगे और नेक्स्ट स्टॉप है सीतापुर पे लेंगे, सीतापुर से डायरेक्टली नखलऊ।
मतलब मान के चलिए 35 किलोमीटर में हम लोग को अप्रॉक्स 10 बजे से पहले हम लोग को महकलगंज पहुँच जाना चाहिए। भाई हम लोग चलाते महकलगंज क्रॉस कर चुके हैं, अभी महकलगंज के आगे 5 किलोमीटर आगे आ गए और जैसी बात हुई थी महकलगंज में रसगुल्ले की। ये है महकलगंज के फेमस रसगुल्ले, खाते हैं बताते हैं कैसे हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। अब अभी रसगुल्ले खाते हैं फिर चलते हैं आगे। अब सीधे रुकना होगा सीतापुर पे, इस टाइम गाड़ी खींच रही है 100-104 रात में चल रही है, रोड एकदम सही मिल गई है हमको, मतलब अंदर से जाते हैं तो शायद टाइम लग जाता लेकिन ये रोड एकदम परफेक्ट मिल गई है, गाड़ी खींच रही है कायदे से। चलिए सो महकलगंज के रसगुल्ले खा लिए, अब आगे बढ़ चुके हैं, टाइम हो रहा है 9:50 और नीरज का कहना है महकलगंज के रसगुल्ले यहाँ के नहीं फेमस हैं, महकलगंज के अंदर एक दुकान है उनके फेमस है और वहाँ पे हर तरह के रसगुल्ले मिलते हैं, हर तरह के छोटे बड़े हर तरह के रसगुल्ले मिलते हैं। वही है ना, जिसको अब पता है वही जानता है, हमको नहीं पता वो दुकान कौन सी है, तो भैया हम तो यही वाले खाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर और टाइम हो रहा है 10:25, सीतापुर पहुंच कर चुके हैं, सीतापुर के टोल गेट में पहुंचने वाले हैं। सीतापुर पीछे रह गया, सीतापुर शहर भी पीछे रह गया है, अंदर मुड़ के था, सीतापुर क्रॉस करने जा रहे हैं हम लोग, खैराबाद पहुँचने वाले हैं, सीतापुर के आगे पड़ता है खैराबाद। ये गाड़ी वाले भैया को बहुत जल्दी हो रही है, ये बहुत तेज काट काट के चला रहे हैं और चला नहीं पा रहे, ये देख रहे हैं, देखिए 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 डांस कर रही है गाड़ी। भैया इतनी जल्दी मत करो कि दूसरे को आपके जल्दी से दिक्कत हो। तो भाई कांड हो गया, हुआ ये गाड़ी चल रही थी 100-110 और एक ढेसी भी आ गई थी जिसकी वजह से मेरे को कट लेना पड़ गया और ट्रक वाले ने भी साथ में मेरे साथ कट लिया, तो उस वजह से हमारे भाई नीरज का फ़ोन जेब से निकल के रोड पे गिर गया। खैर टूटा नहीं है लेकिन हाँ ऊपर का ग्लास टूट गया है, मतलब टच टूट गया है, जिसको टच कहते हैं वो टूट गया है, डिस्प्ले सही है मतलब दिख सब रहा है चल सब रहा है लेकिन हाँ ग्लास पे क्रैक आ गया है। अब पता नहीं जेब से गिर गया यार, अच्छा खासा पूरा ट्रिप साथ सही सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से फ़ोन गिर गया, अफसोस हो रहा है। चलो फ़ोन तो बच जाएगा, ये बस इतना शुक्र है कि पूरा टूटा नहीं, किसी गाड़ी का पहिया चढ़ा नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो नुकसान ज़्यादा हो जाता। सो फाइनली गाइस हम लोग मड़ियाँ पहुँच गए हैं और बस टाइम हो रहा है करेक्ट 12 बजे हम लोग लखनऊ आ गए, मतलब ऑन टाइम वी आर रीच होम। अब भाई जी कराते हैं रैपिडो बुक और सामान करते हैं ट्रांसफ़र, फिर निकलते हैं घर और चल चलते थोड़ी बातें करते हैं, अभी बस सामान ट्रांसफ़र करते हैं। तो भाई नीरज जा चुका है अपने घर एंड और हम लोग भी निकल रहे हैं अपने घर, तो बस जस्ट अभी अभी नीरज को वो किया है ड्रॉप एंड बस निकल रहे हैं अपने घर और हम लोग हैं मड़ियाओं पे। यहाँ से मात्र 10 मिनट मेरे को लगेगा घर पहुँचने में और बस मैं घर पहुँच के अब बस घर पहुँचते हैं फिर सोते हैं आराम करते हैं। सफ़र बहुत अच्छा था हमारा, बहुत सुकून, बड़े भाई साहब मान के चलिए बड़ा आराम मिला, बड़ा सुकून मिला, कोई भागम भाग नहीं कोई कुछ नहीं, जैसा सोचा था वैसा ही। हम सोच रहे थे कि 12:30 तक घर पहुँच जाएंगे तो सेम 12:30 तक घर पहुंच जाएंगे, नीरज भी आराम से पहुंच जाएगा। अब ओला कर दी है वो, ओला राइडर आ गए थे, रैपिडो किया है, रैपिडो कैप्टन आ गए थे, रैपिडो में कैप्टन होते हैं ओला में ड्राइवर होते हैं, रैपिडो कैप्टन आ गए थे, वो उनको ले जा रहे हैं उनके घर, नीरज उनको घर का एड्रेस बताता रहेगा और उनको वहाँ पे पहुँचा देगा, उसके बाद बस अपना ठीक है। अभी हम लोग भी घर जा रहे हैं, नीरज को बस आधे घंटे बाद कॉल कर लेंगे, नीरज घर पहुंच जाएगा। और इधर से घुमा लो गाड़ी, देखो भाई कितना खुश हो गया, ऐसा लग रहा है किसी ने पहली बार किसी को रात में बाइक चलाते हुए देखा है।
यहाँ वीडियो बनाते हुए देखा है भाई ने। चलिए मिलते हैं किसी नए सफ़र पे, नई मंजिल की ओर चलते हुए। यूं ही मिलते रहेंगे हम आपसे, बस आप लाइक और सब्सक्राइब बरसाते रहिए और हम लोग चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अपना ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। देखो भाई डांस कर रहा है साइकिल चलाते हुए। ओके मिलते हैं, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड, ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, माय भाई, माय फैमिली, गुड नाइट।